नया फोल्डर बना लेता हूँ जो मैप का हमारा जो बात रह गई थी, और उसके लिए मैं लिख लेता हूँ कि मॉडिफाई एरे विथ मैप, सही है। और इसका मैं नंबर कह देता हूँ कि यार ये है 19, ठीक है जी। और इसमें जो भी कोड लिखा हुआ है उसकी शायद हमें ज़रूरत नहीं है, तो इन सबको मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, अच्छा जैसे कि जिक्र हुआ था शुरू में कि, और जब भी मैं एरे का टॉपिक डिस्कस करता हूँ तो ये बात मैं रिपीट करता हूँ कि एरे बनाया गया है लूप चलाने के लिए उसके ऊपर, ठीक है। और लूप जो बना है वो एरे के लिए बना है, तो एरे और लूप एक दूसरे के लिए बने हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर एरे होता और लूप करने का कोई तरीका नहीं होता, जैसे लूप करने के हमने दो तीन तरीके पढ़ लिए अभी तक, फॉर लूप पढ़ा है और मैप पढ़ा है हमने, तो और भी दो तीन तरीके हैं जो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप अलग से उसको सर्च कर सकते हैं। फॉर लूप ऐसा है बाय द वे तरीका जिससे सारे काम हो जाते हैं, अगर आपको जस्ट फॉर लूप भी आता है तो सारे काम आपके हो जाते हैं, ठीक है। बट मैप क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत पॉपुलर है राइट नाउ, तो इसलिए हम मैप का भी जिक्र कर रहे हैं। वेल, तो अगर एरे होता और उस पर लूप करने का कोई तरीका नहीं होता अगर, तो एरे बेकार है। अच्छा, और अगर लूप के ये स्टेटमेंट जो हमने पढ़े ये मौजूद होते लेकिन एरे नहीं होता, तो ये लूप के स्टेटमेंट बेकार हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार हैं। अच्छा, तो मैप, अच्छा तो आम तौर पे हो रहा क्या होता है जब हम एरे पे आइट्रेट करते हैं, तो आम तौर पे हम क्या कर रहे होते हैं, हम दो तीन चीज़ें करते हैं जो करड़ ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, कि या तो हम आइट्रेट करके ना उस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो उस एरे के एलिमेंट को हम मॉडिफाई कर रहे होते हैं, है ना, या मे बी उस एरे में हम नई चीज़ें ऐड भी कर रहे होते हैं समटाइम। वेल, तो ये मेनली जो आमतौर पे हमारे पास जो डेटा होता है ना वो डेटाबेस से उठ के आता है, तो डेटाबेस से अगर मुझे कोई डेटा मिला है और वो एरे की फॉर्म में, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो दो चीज़ें ना वो सबसे कॉमन है कि एक तो उनको मैं एक्सेस करूँगा, उसको स्क्रीन पे प्रिंट करवाऊँगा या कोई भी साथ में उसके ऑपरेशन करना है, यानी उसको एक्सेस करने के बाद कुछ उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा, वो ऑपरेशन आमतौर पर उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं, तो हमने एरे डॉट मैप के ज़रिए और फॉर लूप के ज़रिए एरे को एक्सेस करना सीख लिया है। सब लोगों को वो समझ आ गया था, किसी का कोई सवाल तो नहीं है उससे, उस क्लास से मुतालिक। अच्छा, अब एरे डॉट मैप के अंदर ना, अच्छा फॉर लूप के ज़रिए हमने एरे को मॉडिफाई किया है, लेकिन फॉर लूप चलता है तो उसमें क्या होता है, हम एरे के नाम से ही उसको मॉडिफाई कर रहे होते हैं। फॉर लूप में इटसेल्फ कोई ऐसा तरीका नहीं है बिल्टन कि वो एरे को मॉडिफाई करे। अच्छा, मैप में ऑन अदर एंड ना एक तरीका मौजूद है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, कि जी एरे डॉट मैप जब मैं चलाता हूँ तो मेरे पास एक एरे है यहाँ पे जिसमें कोई 6, 7 या 10 इंडेक्स हैं। अच्छा, मैंने इस एरे का नाम लिखा, ठीक है, हमेशा एरे के नाम के ऊपर डॉट मैप लगेगा। अगर वो उस नाम, मिसाल के तौर पे ARR के नाम से एक एरे मौजूद है, अगर ये ARR नहीं होता तो ये ARR डॉट मैप काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ARR की जगह मेरे वेरिएबल का कोई भी नाम हो सकता है मेरी मर्ज़ी का। अच्छा, तो वो उसमें नेमिंग कन्वेंशन सारी हम फॉलो करेंगे कि जी कैमल केस है अगर एक से ज़्यादा वर्ड है तो, या अगर कोई स्टूडेंट है तो उसमें एस लगाना ज़रूरी है कन्वेंशन के लिए कि अच्छी जी स्टूडेंट्स का मतलब है कि भाई एरे है, तो वो सारी चीज़। तो नाम मेरा कोई भी हो सकता है, ARR ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ARR नाम हो। अच्छा, तो मैंने कहा ARR डॉट मैप। अच्छा, ईच आइटम में मुझे हमेशा क्या मिलता है, ये जितने इसमें आइटम होंगे उतनी बार ये बॉडी रन होगी, और हर दफ़ा मुझे ईच आइटम में एक एक करके वो इंडेक्सेस मिलते जाएंगे। अच्छा, और आई में क्या मिलता है मुझे, 0 से लेके एंड ऑनवर्ड्स जितने भी उसमें इंडेक्स हैं उनका इंडेक्स नंबर मिलता है, यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे मिलता है मुझे, ठीक है। ईच आइटम में क्या मिलता है, उसकी वैल्यू मिलती है, और आई में उसका इंडेक्स मिलता है। अच्छा, ईच आइटम मैंने ये अपनी मर्जी का नाम रखा है, इसकी जगह कोई भी नाम हो सकता है। ईच आइटम जो है वो क्योंकि रेलिवेंट है थोड़ा नाम, तो इसलिए मैंने ये नाम रखा है। आई स्टैंड फॉर इंडेक्स, बट यहाँ पर आप पूरा इंडेक्स भी लिख देंगे तो भी सही है, बट फिर वो नीचे एक्सेस भी उसको पूरा इंडेक्स करके करना होगा, जो कि अभी हमने एक्सेस नहीं किया, मैंने जस्ट इसको लिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन इसको कोई काम नहीं किया इसके साथ मैंने। अच्छा जी, तो अब ये कॉन्सोल जो की डॉट कॉन्सोल डॉट लॉग वाली जो लाइन है ये कितनी बार चलेगी, जितने इसमें इंडेक्सेस हैं उतनी बार चलेगी, और जब जब चलेगी तो एक एक करके वो सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी।
अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि इन तमाम वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, डबल कर दूँ मैं, सही है? तो ये हमने मॉडिफिकेशन फॉर लूप के ज़रिए भी करके देखी थी, अब ये हम करने जा रहे हैं मैप के ज़रिए। अच्छा, तो मैप के अंदर एक चीज़ होती है रिटर्न। अच्छा, और रिटर्न के अंदर ना मैं कोई भी वैल्यू लिख सकता हूँ। अच्छा, रिटर्न में मैंने क्या लिखा है कि ईच आइटम मल्टीप्लाई बाय 2, ये मैंने बात लिख दी यहाँ पे। अच्छा, तो इससे होगा क्या? अभी फ़िलहाल के लिए इससे कुछ भी नहीं होगा। जैसा ये कोड चलता था पहले, यानी कि वो लूप चलता था और कॉन्सोल पे प्रिंट होता था, जस्ट वही काम होगा। इसको ज़रा कॉपी पाथ कर लेते हैं यहाँ से हम, और इसको आके हम चला के देख लेते हैं। अच्छा, मुझे कोड एडिटर चाहिए इधर और रिज़ल्ट चाहिए इधर, ठीक है जी। अच्छा जी, ये 3, 4, 3 से लेके और ये लास्ट तक पूरा ये प्रिंट हो गया। तो कोड में कोई चेंजेस नहीं आई है, कोई मॉडिफिकेशन का कुछ असर मुझे नज़र नहीं आया इसके अंदर। अच्छा, लेकिन कुछ हुआ है इससे। अच्छा, मे बी एरे में कोई चेंज आया हो, तो मैं क्या करता हूँ इस एरे को इसके बाद भी कॉन्सोल कराता हूँ। कॉन्सोल करा के मैं कहता हूँ कि जी ARR है ये, और ARR को मैंने यहाँ पे कॉन्सोल करा दिया। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, एरे में भी कोई चेंज नहीं आया है, ठीक है, इस रिटर्न के लिखने से। अच्छा, तो ये रिटर्न फिर कैसे काम कर रहा है, ये कैसे एरे को मॉडिफाई करेगा? असल में क्या होता है कि ये एरे डॉट मैप जो है, ये एरे डॉट मैप का जो स्टेटमेंट है, बाय द वे ये पूरा है यहाँ से लेके यहाँ तक ना, ये पूरा एक स्टेटमेंट है, जैसे फॉर लूप का ना पूरा एक स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ये ओरिजिनल एरे में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि ये रिटर्न करेगा एक नया एरे, ठीक है। रिटर्न करने का मतलब हम सब जानते हैं, रिटर्न करने का मतलब ये होता है कि ये स्टेटमेंट खुद यहाँ से हट जाएगी और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, एक एरे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो एरे अभी कहाँ पे जा रहा है, अभी हमने उसको क्योंकि वेरिएबल में पकड़ा नहीं है, तो वो हवा में वो गुम हो जा रहा है मुझे, है ना। ऐसे ही होता है ना, जब कोई वैल्यू रिटर्न हो रही होती है किसी जगह पे और उसको हम पकड़ते नहीं एरे में, तो वो कहाँ चली जाती है, वो हवा में गुम हो जाती है। अच्छा, तो मैं इसको कहता हूँ कि लेट न्यू एरे, सही है। अच्छा, अब जब ये एरे डॉट मैप एक नया एरे रिटर्न करेगा, तो क्या होगा, वो अब मैंने एक नए वेरिएबल में पकड़ा है उसको, ठीक है, एक नए वेरिएबल में मैंने पकड़ लिया। तो इसका मतलब है कि न्यू ARR के अंदर एक नया एरे आ जाएगा, जिसमें क्या होगा, हर आइटम 2 से मल्टीप्लाई होकर उसके अंदर रखा हुआ होगा। अच्छा, अब तो न्यू ARR को भी ज़रा क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है जी। तो अब आप देखेंगे ओरिजिनल एरे में तो कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन न्यू ARR के अंदर क्या हो गया होगा, ये चेंज रिफ्लेक्ट हो चुका होगा, ठीक है। न्यू ARR के अंदर आप देखें तमाम वैल्यूज जो है ना 2 से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अच्छा, सब लोगों को समझ आया ये कैसे हुआ? अच्छा, ये रिटर्न वाली बात एक दफ़ा और रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी को समझ ना आया हो उसको गौर से समझ लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मैप, और अगर आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, तो ये काफ़ी फिर तंग भी करता है आपको बाद में। देखो, ये जो इसकी बॉडी है ना, ये वाली, ये जो मैप की बॉडी है, ये कितनी बार चलती है, जितने इंडेक्सेस है उतनी बार चलती है। अच्छा, जब ये चलती है बॉडी, तो ईच आइटम में मुझे, मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा चल रही है, तो ईच आइटम में मुझे पहला इंडेक्स में जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू मिलती है। अच्छा, तो ये कहता है कि जब जब ये बॉडी चलती है ना, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लास्ट में क्या करोगे, रिटर्न का कीवर्ड कॉल करोगे, और रिटर्न के कीवर्ड के आगे ना आप कोई बात लिखोगे। अच्छा, ये कोई भी बात हो सकती है। अच्छा, तो जो मिसाल के तौर पर पहली दफ़ा बॉडी चल रही है, जो भी काम कराना था यहाँ पे वो आपने करा लिया, 3 लाइन 4 लाइन 10 लाइन का, रिटर्न हमेशा लास्ट में होगा। अच्छा, रिटर्न के आगे जो भी चीज़ लिखोगे आप, अच्छा, रिटर्न के आगे एक वैल्यू लिखनी होती है बाय द वे, तो रिटर्न के आगे जो भी आप वैल्यू लिखोगे ना, उस इंडेक्स में वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। पहले जो थी वो तो यहाँ प्रिंट हो गई, लेकिन अब जो यहाँ लिखेंगे ना, वो उस इंडेक्स में जाके सेव हो जाएगी। अच्छा, और इसी तरह दूसरी बार चलेगा, तो भी रिटर्न में एक दूसरी वैल्यू या सेम कोई भी वैल्यू आप रिटर्न के आगे लिख सकते हैं। फिर तीसरी बार चलेगा, फिर चौथी बार। अब ये जब पूरा मैप चल के ख़त्म होगा ना, तो क्या करेगा ये वो जो एरे बन रहा था ना, हर रिटर्न पे जो एक इंडेक्स पे वैल्यू जा रही थी, अब वो एरे पूरा यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा, यानी ये खुद हट जाएगा और उसकी जगह पे वो एरे आ जाएगा जो भी आपने बिल्डअप किया। समझ आया सब लोगों को? ये इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है?
अच्छा, अब अगर मैं ये करूं कि ये रिटर्न इसमें ना लगाऊं तो क्या होना चाहिए? मैंने रिटर्न इसमें लगाया ही नहीं। अच्छा, अगर मैं इसमें ये रिटर्न नहीं लगाऊंगा तो बाय डिफॉल्ट ये हर दफा अनडिफाइन खुद से रिटर्न करता है, ठीक है? बाय डिफॉल्ट ये हर दफा अनडिफाइन खुद से रिटर्न करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टिल एक मुझे एरे रिटर्न करेगा, लेकिन वो एरे के जितने, अच्छा इंडेक्सेस उसमें कितने होंगे, जितने इसमें उतने ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उतनी बार ही घूमा है वो, लेकिन उन वो तमाम के तमाम जो इंडेक्सेस होंगे ना उसमें अनडिफाइन लिखा हुआ होगा, है स्टिल ये एक एरे रिटर्न करेगा क्योंकि इसका काम ही यही है, एरे रिटर्न लाजमी करेगा ये। लेकिन उसके तमाम, क्योंकि मैंने रिटर्न लिखा नहीं है ना, तो रिटर्न अनडिफाइन ये खुद से करता है। तो चला के देखते हैं कि अनडिफाइन तमाम इंडेक्सेस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है? ये देखो, आठ इंडेक्स इसमें भी हैं, आठ इसमें भी है, लेकिन हर दफ़ा अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं था, अनडिफाइन खुद से कर दिया इसने। अच्छा, कंट्रोल सेट करते हैं वापस। अच्छा जी, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँ हर दफ़ा वन या कोई भी वैल्यू, मैंने कहा कि सेवन। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जितनी दफ़ा भी ये चलेगा तो ये सेवन तो कॉन्स्टेंट है, ये तो चेंज नहीं। पहले तो क्या कर रहा था मैं, क्या ईच वैल्यू को लेके उसको मल्टीप्लाई करता था तो हर दफ़ा एक नई वैल्यू होती थी। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सेवन, तो अब क्या होना चाहिए इसका बिहेवियर? और सारे इंडेक्स में सेवन आ जाएगा, सिंपल है ना? अच्छा, करके देखते हैं। रिफ्रेश किया मैंने, देखो सारे इंडेक्स में सेवन आ गया। हाँ, कोई भी बात लिख सकते हैं यहाँ, कोई यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा, ये मैंने स्ट्रिंग लिख दिया तो वो हर इंडेक्स में यही स्ट्रिंग जाता रहेगा। रिफ्रेश किया, वो देखो हर इंडेक्स में वही जा रहा है, ठीक है? लेकिन आम तौर पे क्या होता है, इसको इस जो ये तो मैंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि ये पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, लेकिन आम तौर पे इसके अंदर वो ईच आइटम को लेके ही कुछ ना कुछ किया जाता है, ईच आइटम को लेके ही कुछ ना कुछ किया जाता है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ईच आइटम को मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ थ्री से अगर, ठीक है? तो ये टू की जगह, वो पहले मैंने टू से किया था, अभी मैंने थ्री से कर दिया, तो एक ही बात है, कोई मसला थोड़ी है। रिफ्रेश किया मैंने, तो ये थ्री से मल्टीप्लाई हो गया कि जी, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो नाइन, फोर को थ्री से किया तो ट्वेल्व, तो जो भी हुआ था वो हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब कौन मुझे ये बताएगा कि मैं ना करना चाह रहा हूँ अब इसको कंडीशनल, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ऑड नंबर है ना, मैं सिर्फ उसको मल्टीप्लाई करूँ टू से, क्योंकि ऑड नंबर की खास बात ये होती है कि अगर टू से मल्टीप्लाई करो तो इवन हो जाता है वो, है ना? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें से सिर्फ ऑड नंबर जो है ना उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ टू से, बाकियों को ना करूँ, तो वो काम कैसे होगा? टर्नरी ऑपरेटर पढ़ा था हमने इफ एल्स के साथ, नहीं पढ़ा हमने? अच्छा, चलो इफ एल्स से भी हो जाता है वैसे ये काम। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को अगर मैं कंडीशनल कर दूँ ना इफ़ लगा के, तो हो नहीं जाएगा ये काम? अच्छा, मैं कह देता हूँ इफ़, और इफ़ की बॉडी हो गया, उसके बाद एल्स, और ये एल्स की बॉडी है। एक मैंने इफ़ के अंदर लगा दिया रिटर्न, एक मैंने एल्स के अंदर लगा दिया रिटर्न, है ना? अच्छा, इफ़ में यहाँ पे क्या कंडीशन लिखनी पड़ेगी मुझे, अब क्या लिखूँ बताओ? ईच आइटम और कैसे चेक करूँगा मैं इवन है ऑड है? मॉड्यूलस टू, और अब मॉड्यूलस टू और इक्वल्स टू, अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि ये इवन है ऑड है, इवन है, ठीक है? इसका मतलब है कि ये इवन है। अच्छा, तो इवन पे मैंने क्या करना है, मैंने कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करने का मतलब है कि उस वैल्यू को उसी तरह से छोड़ना है। तो मैं यहाँ रिटर्न के आगे क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा बताओ? सिर्फ ईच आइटम लिखेंगे, बिल्कुल सही बताया, ठीक है? क्योंकि मैंने इसको मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना, जिस स्टेट में वही रखना है, तो मैंने ईच आइटम लिख दिया यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं ये रिटर्न पूरा ना लिखूँ तो वो अनडिफाइन कर देता है ना खुद से, तो मुझे ईच आइटम करना होगा कि भाई इसी वैल्यू को रखो, चेंज मत करो। अच्छा, एल्स में भाई, क्योंकि जब इवन नहीं है तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ऑड होगा, ऑड में मैंने क्या करना है, इसको टू से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? तो ये मैंने क्या कर दिया, इसका जो रिटर्न था ये कंडीशनल कर दिया, ठीक है? तो मैं इसको कंडीशनल इस तरह से कर सकता हूँ।
अच्छा अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखें जो सिर्फ इवन सॉरी सिर्फ ऑड नंबर जो है ना वो मल्टीप्लाई हुए हैं, जैसा कि 4 वाज एन इवन नंबर तो ये अपनी जगह पर है। ठीक है, एरे डॉट मैप समझ आया। अच्छा अब किसी का कोई अगर सवाल है इस एरे डॉट मैप में तो वो पूछ सकता है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पहले तो दोस्त ने सवाल ये पूछा कि भाई एरे में इनपुट लेते कैसे हैं, तो उससे पहले लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि एरे में इनपुट लेना कब है, कब कौन सा इनपुट ऐसा होगा जो एरे में लेना पड़ेगा मुझे बताओ। एरे में कैसे इनपुट लेते हैं वो तो नेक्स्ट चीज़ है ना, पहले मुझे ये बताओ कि कौन सा इनपुट ऐसा है जो एरे के बगैर होगा नहीं, एरे में ही लेना पड़ेगा इनपुट। मैथ के नहीं नहीं मैट्रिक्स की बात कर रहे हो? नहीं मैट्रिक्स तो अच्छा मैट्रिक्स में वैसे ज़रूरी नहीं, अगर फॉर्म से मैं इनपुट ले रहा हूँ और पूरा मैट्रिक्स मैंने लिख लिया तो इस केस में मुझे शायद ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको वाकई एरे में रखूँ, मैं बगैर एरे के भी उसको करवा सकता हूँ। मैं बगैर एरे के भी मैट्रिक्स वाला जो काम ना प्लस करने वाला जो काम हमने लास्ट किया था उसके लिए वो ज़रूरी नहीं है कि वो एरे में रखूँगा जब ही होगा, वो एरे के बगैर भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है ना कि मैंने 9 वैल्यू गेट किए तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से करना है, सेकंड वाले को सेकंड वाले से करना है, तो अगर मैं इस सीक्वेंस में करूँगा तो एरे की ज़रूरत ही नहीं होगी मुझे। अब कौन सा ऐसा डेटा है, कौन सा ऐसा इनपुट है पैरामीटर जो मुझे एरे में ही लेना पड़ेगा, एरे के बगैर मसला हल नहीं है। नहीं इसका फॉर्म कैसा होगा, जो फॉर्म होगा वो कैसा फॉर्म होगा जिसमें इनपुट ले रहे होगे तुम? सोच के बताओ। दोस्त ने कहा कि अगर आप परसेंटेज वाली ऐप जो हमने बनाई थी लास्ट उसमें जो यूज़र के 10 सब्जेक्ट हैं तो 10 सब्जेक्ट के जो 10 दफ़ा नंबर इनपुट ले रहे हैं हम तो उसको शायद एरे में ही रखा जाएगा, एरे के अलावा ये काम नहीं हो सकता। तो मेरा ये सवाल है कि इस इनपुट के लिए फॉर्म कैसा होना चाहिए, कि आप सब लोग डेली इंटरनेट के यूज़र हैं ना तो इसलिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप सब लोग डेली इंटरनेट यूज़ करते हैं तो कहीं पे आपने अगर ऐसा देखा होगा अच्छा यार 4, 5 या 10 वैल्यूज़ इनपुट ली जाती है जब किसी वेबसाइट में तो वो कैसा इनपुट होता है उसका, आमतौर पर आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा या कोई याददाश्त में कोई बात हो ऐसी? जी दोस्त नहीं वो डेटा का नाम पूछ रहा हूँ ना मैं कि वो क्या रियल लाइफ का कौन सा ऐसा डेटा होगा जो मुझे एरे में ही रखवाना पड़ेगा, क्योंकि एरे तो हमने पढ़ लिया है, टूल से इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, अब वो टूल कहाँ पे यूज़ होगा? वैसे तो वो आप पूरी ज़िंदगी अब यही सीखेंगे कि इस टूल को कहाँ और कैसे यूज़ करना है, लेकिन जस्ट इन केस फौरी तौर पर कुछ तो जहन में, ये ब्रेन स्ट्रॉमिंग है कि आप अपने जहन को खंगालें कि आपके जहन में जो है ना किस हद तक ये बात आपको अंडरस्टैंड हो गई है। तो डेली आप लोग इंटरनेट के यूज़र हैं और आपसे मेरा सवाल है फेसबुक वगैरह में क्या होता है? हाँ नहीं कौन सा इनपुट डालते हो फेसबुक में जो तुम्हें लगता है कि एरे में ही सेव होना चाहिए? यूज़र पासवर्ड और ईमेल। करीब करीब बात की लेकिन वो नहीं बात की जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो मैं बता देता हूँ क्योंकि अभी हमारा पर टाइम शॉर्ट है ज़रा, वरना हम थोड़ी देर और ये करते हैं। देखो जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर एक नया यूज़र साइनअप होता है तो वो पूरा का पूरा यूज़र जो है ना वो एक एरे का एक इंडेक्स होता है,
ठीक है, फिर अगला यूज़र आएगा उसी तरह का डेटा देगा, वही ईमेल पासवर्ड सब चीज़ें देगा, तो वो एक दूसरा इंडेक्स होगा, फिर वो तीसरा इंडेक्स होगा। तो एक्चुअली जो यूज़र्स होते हैं वो एरे की फॉर्म में सेव हो रहे होते हैं, ठीक है, आपके वेरिएबल में तो नहीं होते खैर से, वो तो डायरेक्ट डेटाबेस में होते हैं, लेकिन होते वो एरे की फॉर्म में। अच्छा, इसी तरीके से कोई पोस्ट है फेसबुक की आपकी, उसके अंदर जो कॉमेंट्स आ रहे होते हैं ना वो एरे की फॉर्म में होते हैं कि भाई ये पोस्ट है और इसके कॉमेंट्स हैं, पहला कॉमेंट पहले इंडेक्स में, दूसरा कॉमेंट दूसरे इंडेक्स में, ऐसे पूरा एक एरे बना हुआ होता है, ठीक है। अभी मैं प्लेन कमेंट्स की बात कर रहा हूँ, किसी कमेंट पे किसी ने रिप्लाई कर दिया वो उसको नहीं सोचो, उसको सोचोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये सिर्फ प्लेन सीधे सीधे कमेंट है, किसी कमेंट पे कोई रिप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, सीधे वाले जो कमेंट हैं, तो वो एक एरे के अलावा ये काम हो नहीं सकता, ठीक है, ये एरे में ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इसी तरीके से जहाँ पे सम टाइम हम जब यूज़र को साइन अप कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट ऐड कर रहा होता है बंदा, तो उसमें टैग्स का इनपुट लेते हैं कि अच्छा जी ये वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो आप टैग्स बता दें इसके। जैसे मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, तो मैंने कहा कि अच्छा जी मेरा टैग है जावास्क्रिप्ट ESX, और अभी जैसे आज की वीडियो है तो ये मैप होगा, एरे डॉट मैप होगा, इस तरह दो चार टैग्स लगा दिए। तो अभी जो टैग्स मैं लगा रहा हूँ ना उसके अंदर, वो बलून बलून सा गोल गोल बना हुआ आ जाता है टैग, है ना, फेसबुक पर भी पूछता है टैग आजकल, तो वो भी एरे के अंदर स्टोर करना होता है, उसके अलावा उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, जैसे कि दोस्त ने सवाल किया था कि जो 10 मेरे पास नंबर है ना वो मैं इनपुट ले रहा हूँ यूज़र से, तो उसका मैंने पूछा था कि फॉर्म उसका कैसा होगा। तो एक तो उसका फॉर्म बनाने का तरीका ये हो सकता है कि आपने 10 इनपुट बॉक्सेस ले लिए और 10ों में आपने एक एक करके नंबर लिखा और आपने एक ही दफ़ा एंड में बटन दबाया सबमिट का, तो इस केस में तो एरे की ज़रूरत नहीं है, एरे के बगैर भी काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक केस ये हो सकता है कि आपके पास ऐसा मिसाल के तौर पर ये जो ग्रेड वाले ऐप की बात कर रहे हो ना, जो ग्रेड हम लेते थे, तो ग्रेड वाली ऐप में क्या होगा कि मैं तमाम सब्जेक्ट के नाम बताऊंगा, साथ में उसके नंबर्स बताऊंगा कि कितने में से कितने आए, है ना, और कितने में से कितने आने के बाद जब मिसाल के तौर पे 5, 6, 10, 12, 15 जितने भी सब्जेक्ट थे सब बंदे ने सब लगा दिए उसके अंदर, और एंड में कैलकुलेट का बटन है वो दबाऊँगा तो कैलकुलेट हो जाएगा, तो इस केस में मुझे इसको एरे में इनपुट लेना पड़ेगा। अच्छा, इसका फॉर्म कैसा होगा, इसका फॉर्म ऐसा होगा कि उसमें 3 फील्ड्स होंगी, ठीक है, उस पर लिखा हुआ होगा कि ऐड अ सब्जेक्ट, हेडिंग में लिखा हुआ होगा, उसमें 3 फील्ड्स होगी कि जी सब्जेक्ट नेम, टोटल नंबर, ऑब्टेंड नंबर, और लास्ट में एक बटन होगा ऐड का। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ें लिख के ऐड का बटन दबाएंगे ना, वो स्क्रीन पर वो चीज़ अपेयर हो जाएगी कि अच्छा जी ये एक सब्जेक्ट ये आ गया। फिर उसी फॉर्म को आप दोबारा फिल करके दोबारा ऐड का बटन दबाएंगे और दोबारा एक लकीर, एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। अच्छा, जब 6-7 दफ़ा आप उस फॉर्म को फिल कर लेंगे तो क्या होगा कि आपकी स्क्रीन पे वो पूरी टेबल के फॉर्म में वो दिखता चला जाएगा। अच्छा, और लास्ट में एक बटन होगा कैलकुलेट का, तो जैसे ही आप कैलकुलेट का बटन दबाएंगे वो कैलकुलेशन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, इसमें एरे के बगैर ये काम इसलिए नहीं हो सकता कि जब जब आप एक दफ़ा उसको सबमिट करेंगे उस फॉर्म में जिसमें लिखा हुआ होगा कि सब्जेक्ट नेम, टोटल मार्क और ऑब्टेन मार्क, ये 3 बात लिख के आप सबमिट करेंगे तो वो तीनों फील्ड खाली हो जाएगी और ऊपर वो एंट्री हो जाएगी, तो वो जो एंट्री होगी ना वो एरे के बगैर वो काम नहीं हो सकता, उसको एरे में आपने सेव करना है, ठीक है। तो इसका हमने अभी क्या सीखा कि नहीं नेस्टेड एरे नहीं होगा, हाँ वो असल में क्या होगा, वो एक दफ़ा में जो उसने डेटा जो भी फिल किया ना वो अपने एरे के एक इंडेक्स में सेव कराना है, ठीक है। अभी तुम सही कह रहे हो, अभी के केस में तो वो नेस्टेड एरे करना पड़ेगा क्योंकि एक चीज़ और हमने नहीं पढ़ी, उसका का नाम है ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा, तो असल में वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। लेकिन सही कह रहे हो तुम, अभी तुम्हें अगर ये काम कराना हो तो तुम नेस्टेड एरे बना लोगे, तो 2-डायमेंशन एरे होगा कि अच्छा जी एरे का जो पहला इंडेक्स होगा उसमें इटसेल्फ एक एरे होगा, उसमें 3 इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, तो 2 में 1 में नाम होगा, 2 में नंबर होगा, फिर अगले इंडेक्स में भी इसी तरह होगा, फिर अगले इंडेक्स में भी इसी तरह होगा। तो अभी तक जो चीज़ पड़ी है उसके केस में तो नेस्टेड एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन ये चीज़ एरे के बगैर होगी नहीं, ये एरे में कुछ ना कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वेल, अभी हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये चीज़ मज़ीद फिर इन्हेंस होकर आ जाएगी कि अच्छा जी ये काम एग्जैक्टली और कैसे बेहतर तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये वाली बात सबको समझ आई है जो लास्ट मैंने बात की है कि जी वो फॉर्म किस तरह से सबमिट होगा, किस तरह से फिल होगा, ठीक है। तो अच्छा, ये टॉपिक हमारा एरे डॉट मैप से मुताल्लिक, किसी और का कोई सवाल हो तो वो पूछ ले जी दोस्त। इसकी बूलियन क्या, अच्छा ये
बूलियन डेटा टाइप, मैं शायद आपका सवाल सही समझा हूँ या पता नहीं, नहीं देखें ये एरे के जो मिसाल के तौर पे 8 इंडेक्सेस हैं, अब इन 8 इंडेक्सेस पे नंबर लिखे हैं इस वक्त, यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता था, स्ट्रिंग पे भी ये बिल्कुल सेम इसी तरह लूप चलता है, ईच आइटम के अंदर मुझे स्ट्रिंग मिलेगा, फिर वो फिर अगर कोई कंडीशन मैंने लगानी है कि अच्छा जी स्ट्रिंग के अगर 3 कैरेक्टर से ज़्यादा हो तो फला चीज़ कर दो, अगर कम हो तो कुछ और कर दो, तो वो मैं कंडीशन यहाँ पे इस तरह लगा सकता था बिल्कुल, है ना, स्ट्रिंग के अंदर। और इसी तरह मैं रिटर्न के आगे वो जो भी प्रोसेस करके रिटर्न करना है वो मैं करके करूँगा, या उसको एज इट इज़ रखना है तो एज इट इज़ रख के रिटर्न कर दूँगा, ठीक है, ये काम मैं कर सकता हूँ स्ट्रिंग के साथ भी। अच्छा दोस्त ने कहा कि बूलियन के साथ ये काम कैसे होगा, तो अगर मैं आपका सवाल सही समझाऊँ तो आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम इंडेक्सेस में अगर बूलियन है तो क्या वो एरे डॉट मैप चलाने से ईच आइटम में मुझे हर दफ़ा वो बूलियन वैल्यू मिलेगी? इसका जवाब है हाँ, जैसे स्ट्रिंग मिलेगा जैसे नंबर मिलेगा इसी तरह बूलियन मिलेगा। इवन दो कि ज़रूरी नहीं है इस एरे के अंदर सारे नंबर हो सकता है बीच में कहीं बूलियन आ जाए, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट के एरे में ये चीज़ लीगल है कि आप एरे के दरमियान में किसी भी किस्म की कोई डेटा टाइप हो सकती है, ठीक है, वरना सी लैंग्वेज वगैरह में ये होता है कि जी नंबर कह रहे हैं तो नंबर ही होंगे उसमें, या स्ट्रिंग कह रहे हैं तो स्ट्रिंग ही होगी उसके अंदर, सी शार्प में, जावा में, सी प्लस प्लस में इस तरह होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ अलाउ है कि आप किसी भी डेटा टाइप को रख सकते हैं। वेल तो इस अगर ये ट्रू बीच में आता है अगर, तो मुझे फिर इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रू जो है वो अगर उसका मॉड्यूलस निकालेंगे तो आई एम नॉट श्योर कि वो क्या रिजल्ट देगा, तो मुझे यहाँ पे शायद अब ये भी लगाना पड़ेगा अगर इस तरह की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अच्छा जी कोई बीच में ट्रू भी आ सकता है। वेल मैं यहाँ पे वापस एक नंबर लगा देता हूँ, तो अगर ये तमाम इंडेक्सेस में बूलियन पड़े हुए हैं तो बिल्कुल इसी तरह मैप लगाने से ये ईच आइटम में मिलेंगे बूलियन। बूलियन के ऊपर जिस किस्म की कंडीशन लगाना पॉसिबल है वो आप लगा सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। हमने वो कंपैरिजन ऑपरेटर को डिटेल में पढ़ा था कि जी अच्छा जी अगर वो ट्रू फॉल्स के साथ कंपैरिजन ऑपरेटर होगा तो वो क्या होगा, अगर स्ट्रिंग और बूलियन आ जाएगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग और नंबर आ जाएगा तो क्या होगा, अगर दो स्ट्रिंग आ जाएंगे न्यूमेरिक वैल्यू लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में आ जाएगी तो क्या होगा, तो हमने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ पढ़ी थी, ठीक है। लेकिन स्टिल क्योंकि ये 2 घंटे की क्लास होती है, शॉर्ट पीरियड होता है हमारे पास, तो वो तमाम पॉसिबिलिटी आई एम श्योर कि वो हम कवर नहीं कर पाए होंगे, वो आपने खुद से एक्सपेरिमेंट करना है, खुद से उसको चला के देखना है। नहीं देखो वो एक तो फॉर्म में वैलिडेशन लग जाती है कि हर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं कि जी कितने कैरेक्टर का होगा, तो एक तो वहाँ पे वैलिडेशन लगती है। दूसरा ये कि जब फॉर्म की सबमिशन होती है तो एक फंक्शन उसमें चलता है, उस फंक्शन के अंदर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं कि जी अच्छा जी गेट एलिमेंट बाई आई डी करके आपने जो उठाया है फर्स्ट नेम उठाया है अगर वो 20 कैरेक्टर से ज़्यादा है तो इफ़ उस फंक्शन में सबसे पहला काम इफ़ लगेगा कि जी वैल्यू उठाओ लाके इफ़ चेक करो, तो अगर इफ़ वो वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो उसको आप वेरिएबल में डालेंगे, अदरवाइज़ आप वहीं पे एक अलर्ट शो करा देंगे कि जी आपका ये नंबर गलत है, और फंक्शन आगे चलेगा नहीं, फंक्शन आगे चलने से रोकने के लिए वो फंक्शन अभी हमने कवर नहीं किया। फंक्शन जब हम कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि जी फंक्शन अगर आप पहली लाइन में कंडीशन लगाइए कोई और आप चाहते हैं कि बस यहीं पे रुक जाइए आगे ना बढ़े तो वो कैसे काम होता है, वो हम फंक्शन के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे चीज़। तो वो एरे के अंदर कोई ऐसी लिमिट लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, वो वैलिडेट करके हम उसको एरे के अंदर पुश करते हैं। अच्छा जी